That is why it appears so big from the earth. Although the moon is the brightest object in the night sky, it does not give out light of its own. It reflects the light of the sun. Okay. यहाँ पे मून के बारे में बताया गया देखिए मून क्या एक बॉल ऑफ रॉक्स है ओके अर्थ का एक क्वार्टर साइज अर्थ का एक चौथा भाग क्या है मून है जो कि एक रॉक से बॉल है देखिए रॉक का बॉल है वो कितना किलोमीटर अवे है अर्थ से थ्री लैख एटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर्स अवे अर्थ से तीन लाख एटी फोर थाउजेंड फोर्टी किलोमीटर्स अवे है और वो हमारा स्पेस में सबसे नियरेस्ट नेबर है इस वजह से हम लोग का अर्थ में मून क्या दिखाया जाता है बड़ा सा दिखाया जाता है राइट हम लोग का अर्थ में मून को अगर हम लोग देखेंगे अर्थ से तो कभी कभी चांद क्या बहुत बड़ा सा दिखता है राइट ऑल्डो द मून इज अ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट नाइट रात के समय में मून क्या है ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है पर मून का अपना लाइट नहीं है सन का लाइट को वो मून क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है अभी आप समझिए चांद जो रात के समय रोशनी देता है वो उसका अपना रोशनी नहीं है वो सन का आ, रेज को रिफ्लेक्ट करके वो साइन करता है रात को नाइट टाइम ओके कंडीशन ऑन द मून अब मून में कंडीशन कैसा है देखिए देर इज नो लाइफ ऑन द मून इट डज नॉट हैव एनी वाटर एंड इट सर्फेस इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ डस्ट इट हैज माउंटेन्स एंड ह्यूज ब्राउन पीट्स कॉल्ड क्रेटर्स क्रेटर्स ऑन इट सर्फेस द माउंटेन्स एंड क्रेटर्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ थ्रू ए टेलीस्कोप अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है मून का कंडीशन कैसा है मून में कोई लाइफ नहीं है देर इज नो लाइफ ऑन द मून ओके और उसमें ना ही कोई पानी है ना ही कोई सरफेस है और जो भी सरफेस है सब एकदम डस्ट और धूल से ढका हुआ है ओके okay? और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स पहाड़ है और बड़े बड़े गड्ढे हैं जो क्रेटर्स बोला जाता है ठीक है चांद का जो सरफेस है मून का जो सरफेस है वहाँ पे क्या है बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं क्रेटर्स बोलते हैं द माउंटेन्स एंड क्रिएटर्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ थ्रू टेलीस्कोप अगर आप अर्थ से टेलीस्कोप में देखेंगे अगर आप मून को देखेंगे टेलीस्कोप के द्वारा तो आप देख पाएंगे कि चांद में कितने बड़े बड़े पत्थर और सॉरी माउंटेन और क्या है क्रिएटर्स जो कि बड़े बड़े गड्ढे हैं वो सब आपको अर्थ से ही आप देख पाएंगे टेलीस्कोप की मदद से ठीक है देर इज नो एटमोस्फियर सराउंडिंग द मून सो देर इज नो विंड नो क्लाउड्स एंड नो रेन यहाँ पे बोला गया है कि मून का जो सरा मून में जो क्या कोई एटमॉस्फेयर नहीं है ठीक है मून को कोई एटमॉस्फेयर सराउंड नहीं करता इसलिए ना ही वहाँ पे कोई हवा है ना ही कोई बादल ना ही कोई बारिश और द एटमोस्फियर एब्जॉर्ब्स अ पार्ट ऑफ आप द सनलाइट सो तो इट डज नॉट बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे हम लोग का जो अर्थ में जो हम लोग का जो एटमोसफेयर है जिसे आ, ब्लैंकेट एटमोसफेयर एक ब्लैंकेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है राइट अर्थ में अर्थ में जो एटमोस्फियर है वो एक ब्लैंकेट है जो क्या करता है कुछ सन रेज को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है जिससे कि हम लोग का जो दिन का जो समय है वो ज़्यादा गर्मी ना हो राइट हम लोग कभी कभी एक्सेस गर्मी हम लोग महसूस करते हैं क्योंकि हम लोग का एटमोस्फेयर उस समय क्या हो जाता है थीन हो जाता है लाइट थीन लेयर रहता है जब कभी आप देखेंगे आप कुछ दिन यह आप देखे होंगे दो साल से जब सब चीज़ बंद था तो हम लोग का जो इन्वायरमेंट था clean, right? हम लोग का जो एटमॉस्फेयर था एकदम क्लीन राइट हम लोग को फ्रेश फील महसूस होता था राइट right? तो सोचिए यही चीज़ थाउजेंड इयर्स ईयर्स पहले कैसा था हंड्रेड ईयर्स पहले कैसा था एकदम क्लीन इन्वायरमेंट था राइट right? इसलिए अभी अब हाँ, हम लोग वेदर हम लोग अभी चेंज महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि ये सब देखिए ये सब एटमोसफेयर का रोल प्ले है राइट right? एटमोसफियर जितना ही बढ़िया रहेगा जैसे हम लोग का अर्थ का जो सराउंडिंग में जो एटमोसफेयर है वो क्या करता है सन रेज को हम लोग के अर्थ में आने से क्या करता है प्रोटेक्ट करता है आता तो है पर एक्सेसिव हीट हम लोग को यहाँ पे जनरेट नहीं करता है नहीं तो हम लोग रह नहीं पाते इसलिए यहाँ पे बोला गया हम लोग का जो अर्थ का जो एटमोसफेयर है वो क्या करता है सनलाइट का एब्जॉर्व करता है जिससे कि हम लोग को दिन के समय ज़्यादा गर्मी ना लगे ओके बट ऑन द मून देर इज़ नो एटमोसफियर बट चांद में क्या कोई एटमोसफेयर नहीं है इसलिए वहाँ पर बॉयलिंग हॉट है ड्यूरिंग द डे चांद में दिन के समय बहुत गर्म रहता है मतलब बॉयलिंग आप देखे होंगे जब आप गैस में जब वाटर को बॉयल करते हैं तो कितना गर्मी रहता है उतना ही गर्मी वहाँ पर रहता है बॉयल करने जैसा तो सोचिए कितना गर्मी होगा क्योंकि मून में एटमोसफेयर नहीं है इस वजह से वहाँ का जो समय है दिन का समय में बहुत गर्मी रहता है also on the earth the atmosphere retains heat at night so it does not become very cold however since there is no atmosphere on the moon to retain heat it is freezing cold at night okay ab dekhiye yaha pe bola gaya hai ki earth का जो atmosphere है वो क्या करता है रात के समय भी हम लोग को थोड़ा गर्मी महसूस होता है क्योंकि एक बार में यहाँ का जो आ, जो अर्थ में जो वर्म रहता है वर्म वो एक ही बार वापस चला नहीं जाता क्योंकि एटमॉस्फेयर उसे ब्लॉक करके कर रखता है जो गर्मी आता है अर्थ में जो अर्थ का लेयर में जो वर्म्थ रहता है वो एटमॉस्फेयर क्या करता उसे कर है उसे ब्लॉक कर देता है इसलिए हम लोग को क्योंकि रात के समय भी एकदम वर्म महसूस होता है राइट पर मून में क्या होता है मून में एटमॉसफेयर नहीं होने की वजह से मून का जो वर्म्थ रहता है वो क्या हो जाता है वो चला जाता है और रात के समय बहुत फ्रीजिंग कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंड रह जाता है समझ गए तो देखिए एटमोस्फियर कितना इंपॉर्टेंट है प्लानिट का जो है टेम्परेचर को मैंटेन करने के लिए एटमोसफेयर का कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले राइट तो देखिए अगर अर्थ में एटमोसफेयर नहीं होता तो हम लोग भी रह नहीं पाते पर एटमोस्फेयर की वजह से हम लोग दिन के समय भी हम लोग अच्छे से रह पाते और रात के समय भी राइट right? तो वही चीज़ बोला गया चार मून में एटमोसफेयर नहीं होने की वजह से रात के समय क्या होता है ज़्यादा ही ठंडा और दिन के समय कुछ ज़्यादा ही गर्मी राइट बॉयलिंग हीट तो हम चाहते हैं कि आप इसे यहाँ तक आप पढ़ें और पढ़ के आप समझने की कोशिश करें ओके दम के बारे में आप पढ़ें और जानने की कोशिश करें नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे थैंक यू